ओके बेटा, आज के वीडियो के साथ कोरिलेट करके मैं आपको जो मेन पॉइंट है जो आप हमें आज करना है, आई होप इसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। जो भी आपने वीडियो में देखा है वो भी समझ में आ जाएगा। और आज और कल इंपॉर्टेंट डेज हैं इस चैप्टर के लिए। एक बार फिर से यूनिफॉर्म मोशन को याद करते हैं। देखो आप, मैं क्या आइडिया बता रहा हूं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला टू यू वंस मोर, एंड इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स वी विल क्लैरिफाई दैट डाउट। इसको समझने के लिए पहले इसके ऊपर एक बार फिर से जाना पड़ेगा, ठीक है? और यूनिफॉर्म मोशन में हमको सबको मालूम है यूनिफॉर्म मोशन, कल हमने डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोशन विच अकर्स इन वन डायरेक्शन ओनली। व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स यूनिफॉर्म मोशन इट मूव्स विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इट मूव्स विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी सो दैट इट्स वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम हैज सम कॉन्स्टेंट वैल्यू। यही है ना बेटा यूनिफॉर्म मोशन, हर टाइम के ऊपर। यहाँ T1 टाइम है, यहाँ T2 टाइम है, यहाँ T3 है, और इनके बीच में यहाँ पे भी कोई टाइम आया होगा T4। एट एवरी टाइम इफ द वेलोसिटी कीप्स द सेम वैल्यू दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। सबको क्लियर है? व्हाट काइंड ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डू वी ड्रॉ फॉर एन ऑब्जेक्ट डूइंग यूनिफॉर्म मोशन? फॉर एन ऑब्जेक्ट डूइंग यूनिफॉर्म मोशन इसकी वैल्यू को कुछ एज्यूम कर ले, 5 मान ले। लेट्स एज्यूम दैट द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इमीजिएटली व्हेन वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन वी शुड आस्क विद व्हाट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी डज इट डू इट्स यूनिफॉर्म मोशन। सो मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो +5 मीटर्स पर सेकेंड है। +5, प्लस मींस दैट इट्स गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आता है, सबको मालूम है। नाउ सपोज व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स हेयर, कोई भी टाइम ले लो। सपोज जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो वॉच शोज, स्टॉप वॉच शोज 2 सेकेंड्स टाइम, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेज हेयर स्टॉप वॉच शोज 5 सेकेंड्स टाइम। आपको मैंने कहा बेटा व्हेन यू स्टडी यूनिफॉर्म मोशन यू हैव टू रिमेंबर दैट ओवर एनी इंटरवल ऑफ टाइम, ओवर एनी इंटरवल ऑफ टाइम द एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मोशन। ये मेन आइडिया है यूनिफॉर्म मोशन का जो मैंने बॉक्स कर दिया, कि जो किसी भी टाइम इंटरवल पर उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो उसकी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है जो उसके इक्वल होती है। मतलब एवरेज और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वो दोनों एक ही चीज है। यूनिफॉर्म मोशन के साथ कोई भी कैलकुलेशंस करनी है तो वो इसी इक्वेशन से होंगी। आप चाहें तो इस इक्वेशन को जीरोथ इक्वेशन मान सकते हो। 9th में तो कराते नहीं है जीरोथ, ये क्या बताते हैं, सेकंड है। फर्स्ट आपने देखी थी, ठीक है, और थर्ड भी आप लोगों ने देख लिया है। इन्हीं को लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए। इसको जीरोथ कोई बोलता ही नहीं, ये कोई बताता ही नहीं है कि ऐसी कोई इक्वेशन भी है, ठीक है? सो बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो हम इस इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किस लिए प्रयोग करेंगे इसको, हम किस लिए यूज करेंगे, क्या यूज है? तो सपोज आपको कांस्टेंट वेलोसिटी पता चल गई उस ऑब्जेक्ट की कितनी है, +5। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, बाय
making use of this equation, we can find out the displacement of the object. We can find out the displacement of the object over any interval of time which is given to you. ठीक है, ये कौन सा इंटरवल है? 2 से 5. अब इस टाइम इंटरवल के ऊपर ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो कितनी आ जाएगी? आप बताओ, ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, इस इक्वेशन से निकालनी आपको, दिमाग नहीं लगाना. हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूं, फिजिक्स में फॉर्मूलों का क्या यूज है? दिस प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग योर ब्रेन. फॉर्मूला होता ही इसलिए कि ब्रेन यूज ना करना पड़े, वैल्यू पुट कर दो. ठीक है, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि फिजिक्स में तो ब्रेन ही यूज करना होता है ना. बट फॉर्मूला है क्यों? सो दैट यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन अगेन एंड अगेन. तो अगर आपको इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 2 से 5 सेकेंड्स के ऊपर निकालनी है तो हम इसमें डेल्टा टी को क्या कर देंगे? 5 सेकेंड्स माइनस 2 सेकेंड्स, राइट? और फिर ये सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई होकर ये 15 m बचेगा. तो ये जो मैंने पिंक वाली वेक्टर बनाई है, ये डिस्प्लेसमेंट है इस ऑब्जेक्ट की. अब इसको ग्राफ से भी रिलेट करो. ये सपोज 2 सेकेंड्स टाइम है, ये सपोज 5 सेकेंड्स टाइम है. 2 सेकेंड्स पर एक लाइन खड़ी कर देते हैं, इस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन खड़ी कर दो, तो आपके पास एक रेक्टेंगल आ गया. ये रेक्टेंगल आ गया जिसको मैं शेड कर रहा हूं, उसको हम बोलते हैं एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसकी जो ये रेड वाली साइड है, ये किसके इक्वल है? वी के इक्वल, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मोशन. और ये वाली जो साइड है इस रेक्टेंगल की, ये डेल्टा टी के इक्वल है. ठीक है, तो अगर मैं वी को और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा. ठीक है, इसमें देखो वी को और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करने से एरिया मिलेगा, और वी को डेल्टा टी मल्टीप्लाई करने से हमें डिस्प्लेसमेंट भी मिलती है. तो ये आपने एक रूल ऑब्जर्व कर लिया, एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट. एरिया अंडर द वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है. आप कहोगे ये तो यूनिफॉर्म मोशन में है ना. कितना आएगा बेटा ये एरिया? एरिया नेगेटिव नहीं आता कभी भी. ठीक है, ये एरिया आपके पास आ जाएगा 5 × 3 = 15. ठीक है, अब अगर मैं इमेजिन करूं कि एक ऑब्जेक्ट है वो -5 m/s की वेलोसिटी से चल रहा है और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आ जाएगा. नेगेटिव वेलोसिटी दिखाने का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ऐसे ना जाकर पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. तो ये जो ग्रीन वाली वेक्टर मैंने बनाई, सपोज ये 5 सेकेंड्स टाइम पर इधर से इधर चला गया. ठीक है, तो यहां से लेना एक बार ऊपर से 2 सेकेंड्स, और यहां ऊपर से अगर मैं ले लूं ये 5 सेकेंड्स, तो अब एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आ जाएगा कि नहीं? दिस विल बी द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये एरिया कितना आएगा? एरिया ए आर लिख देते हैं. ये कितना है? 5. ये लेंथ, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, 5, और ये 3, तो ये फिर से 15 units आ गया एरिया. ठीक है, फिर से 15 units आ गया. लेकिन अब इस एरिया के साथ अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम इस एरिया के साथ माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगी. सो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू एरिया, बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया विद प्रॉपर साइन. ये रूल आप बना लो. आप सोच रहे हो ये
मोशन वाला चैप्टर में ऐसे हो रहा है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम करंट टाइम ग्राफ बनाएंगे। एरिया ऑफ द करंट टाइम ग्राफ गिव्स यू द चार्ज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। चलो अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक ही जैसी मैथमेटिक्स रिपीट होती है। ठीक है, तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट बाई पुटिंग अ प्रॉपर साइन बिफोर द एरिया। ये गोल्डन रूल है, आ गया होगा आपको समझ में। अब इस रूल का फायदा यह है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? ऐसे मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर नॉन यूनिफॉर्म। बेटे एक कॉमन मिसनोमर है, मिसनोमर मतलब गलत गलत अंडरस्टैंडिंग है लोगों में। लोग सोचते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड कम होती जाए, ठीक है, जैसे आप कार पे ब्रेक्स लगाते हो वो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, और स्पीड बढ़ती जा रही है वो भी एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, डेसेलेशन भूल जाओ, कुछ नहीं होता, मैंने आपको बता दिया था डेसेलेशन मीन्स स्लोइंग डाउन। स्पीड इंक्रीज होना भी एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड डिक्रीज होना भी। क्या कांस्टेंट स्पीड से भी, कांस्टेंट स्पीड से, ये ब्लू डॉट मान लो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से भी क्या एक्सेलरेटेड मोशन आ सकता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है v, तो भी क्या उसका मोशन एक्सेलरेटेड हो सकता है? हो सकता है, अगर उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो चेंज करे तो। डायरेक्शन चेंज होने पर क्या चेंज हो जाता है? वेलोसिटी। तो मान लो यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्योंकि ये चक्कर काट रहा है, इट इज गोइंग राउंड लाइक दिस, सो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग, सो वेलोसिटी इज चेंजिंग, एंड व्हेन वेलोसिटी चेंजेस इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। याद रहेगा बेटा? चलो अब मैं आपको एक सिंपल वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं जो आप अभी पढ़ रहे हो। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, बट इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, दैट इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं, है ना? यहाँ v2, यहाँ v1, टाइम बदल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। लेकिन ऐसे ग्राफ का क्या मतलब है? व्हाट डज दिस ग्राफ मींस? दैट ये एक्सेलेरेटेड मोशन है लेकिन एक्सेलेशन एट एवरी टाइम हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, देन एक्सेलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये जो हमने किया था, ये अर्थ, अब बॉल इज अलाउड टू फॉल इन वैक्यूम, तो बॉल थोड़ी देर बाद यहां आ गई, थोड़ी देर बाद यहां आ गई, तो इसकी वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है, बट इसकी जो एक्सेलेशन है 9.8, 9.8, 9.8, ये कांस्टेंट है। इस टाइम पर कितनी एक्सेलेशन है? 9.8। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम कौन सा है? मान लो ये, मान लो t2 टाइम, इस टाइम पे कितनी एक्सेलेशन है? फिर से 9.8। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट मान लो एक्सेलेशन, ऑब्जेक्ट के पास कोई चीज है, उसके हाथ में, ऑब्जेक्ट के हाथ में एक्सेलेशन है, इट इज कैरिंग एक्सेलेशन, एंड दैट एक्सेलेशन इज नॉट चेंजिंग, तो दैट इज कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां पे हमने ले लिया। तो जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव करेगा तो उसकी जो एवरेज एक्सेलेशन आएगी, जब हर टाइम पर ही सेम एक्सेलेशन है तो ऑब्जेक्ट की एवरेज एक्सेलेशन भी उतनी आएगी।
ठीक है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं ये मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या डेफिनेशन होती है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की? पहली, एक्सेलरेशन एट एवरी टाइम हैज द सेम वैल्यू। दूसरी, इफ एवरेज एक्सेलरेशन ओवर एवरी पॉसिबल इंटरवल ऑफ टाइम दैट वी कैन कंसिडर हैज अ सेम वैल्यू। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ये पता चल जाना चाहिए बेटा, है ना, मोशन। अभी हम कौन सी लाइन में पढ़ रहे हैं? अच्छा ये बताओ, कल मैंने कल स्टॉप किया था ना जहां पर, वो यही पॉइंट था। मैंने कहा था चलो ये कल ही बताएंगे आप, इफ यू कैन रिमेम्बर दिस। मान लो ये ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये जो रेड डॉट बना रहा हूं, अगर ये एक्सेलेशन को कांस्टेंट रखते हुए चल रहा है, मूव कर रहा है, मतलब इसके जब ये थोड़ी देर बाद कहीं और चला जाएगा, मान लो ये यहां चला गया, ठीक है, या आपको अगर ये अजीब लगता है तो आप मान लो ये यहां से सीधा यहां चला गया, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से यहां तक जाने में अगर इसकी एक्सेलेशन हर समय कांस्टेंट बनी हुई है तो कैसे पाथ में चलेगा ये, किस तरीके का पाथ आएगा इसका, कौन बताएगा? व्हाट काइंड ऑफ अ पाथ कैन बी फॉर द ऑब्जेक्ट? इसका पाथ, क्या ये जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन हो? क्या ये जरूरी है स्ट्रेट लाइन हो? तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, नाइन्थ में आप पढ़ते आए हो, अगर एक ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट रखते हुए चल रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट कैन मूव इन अ ग्राफ व्हिच इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन आल्सो। जैसे हम एक फुटबॉल को किक करते हैं ना, ये मान लो जो ये फुट ग्राउंड है और ये फुटबॉल है, आपने इसको किक किया तो किक करने के बाद ये ऐसे कर्व्ड पाथ में जाती है। वी हैव नॉट प्रूव्ड बट दिस पाथ इज ऑफ पैराबोलिक शेप। सब आएगा आगे जाके, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप एक रूल याद रखो, फिर बाद में आपको उस रूल की बेसिस भी समझ में आ जाएगी नेक्स्ट चैप्टर तक। क्या रूल? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन इट्स पाथ इज ऑलवेज पैराबोलिक, तो वो हमेशा एक पैराबोलिक पाथ में चलता है। कई सारे लोग कहेंगे नहीं जी यहां पे तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो खुशहाल कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन भी एक टाइप की पैराबोला होती है। खुशहाल अभी 10th में हुआ है, बाकी लोग 10th कर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन इज अ टाइप ऑफ अ पैराबोला, ये बाद में पता चलेगा सबको, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ पैराबोला, समझ में आएगा बेटा आपको, ये स्ट्रेट लाइन भी एक पैराबोला ही होती है, हमें नहीं मालूम वो एक अलग बात है। तो ये एक गोल्डन रूल याद रखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैरी करता है तो देन इट्स पाथ इन जनरल इज अ पैराबोला। जैसे फुटबॉल को हमने किक किया, वो तो दिख रहा है अभी कर्व्ड है ना, जब फुटबॉल को किक किया तब तो एवरीवन कैन सी कि दैट द पाथ इज पैराबोला, है ना। जैवलिन थ्रो किया पैराबोला, शॉटपट थ्रो किया पैराबोला। अगला चैप्टर ही इसके बारे में, खोल के देख लेना एनसीईआरटी की बुक में, तो ये खुशहाल ने लिखा है स्ट्रेट लाइन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैराबोला। स्पेशल केस लिख दो इसको, ठीक है, स्पेशल केस, नॉट टाइप, केस। टाइप इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो है ही पैराबोला स्ट्रेट लाइन, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। इवन मैथ्स के टीचर कहते हैं नहीं नहीं ये करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो बेटा, तो मोशन विथ कॉन्स्टेंट, मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये वाला रूल जो यहां पे हमने देखा, ठीक है, ये यहां भी अप्लाई करता है। तो यहां क्या रूल देखा था हमने? यहां हमने ये रूल देखा था कि अगर आपको किसी भी टाइम इंटरवल के ऊपर, मान लो ये 2 सेकेंड्स से 5 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल है, किसी भी टाइम इंटरवल के ऊपर अगर आपको ऑब्जेक्ट की
डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, यहां एक लाइन खड़ी कर देते हैं, यहां भी एक लाइन खड़ी कर देते हैं। सो व्हाट डू वी कॉल दिस एरिया एज? दिस एरिया इज कॉल्ड एज एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फॉर द टाइम बीइंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द ऑब्जेक्ट, बट व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट? इट्स वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज चेंजिंग, ठीक है, विद टाइम एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन आप देखना बेटा, ऐसे ग्राफ का क्या मीनिंग है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट इस तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है? इट इज गोइंग टू दिस साइड ओनली, इसी साइड जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो मान लो 2 सेकंड्स टाइम पे ऑब्जेक्ट यहां पर है और 5 सेकंड्स पर यहां पर है, तो ये क्या आ जाएगी? ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। और ये जो एरिया है ए, कैसे निकलेगा ये? ये आसान होता है बेटा, ठीक है। मान लो इस टाइम के ऊपर वेलोसिटी है यू, ठीक है, और इस टाइम की वेलोसिटी है वी, ठीक है। तो मतलब ये लेंथ आ गई यू, समझ में आपको, क्योंकि ये वेलोसिटी है ना बेटा ऐसे, ठीक है, और ये लेंथ कितनी आ गई वी, ये वी, ये वी, ठीक है, और ये क्या आ गया? टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल आ गया। तो इसका एरिया कितना आएगा? ये तो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया कितना आता है? हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, दिस डिस्टेंस डेल्टा टी। एंड ये डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्लस ए। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइड में ही जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी पॉजिटिव ओनली, अंडरस्टूड? तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी हाफ यू प्लस वी इंटू डेल्टा टी। बट कल हमने लिखा था ना कि v कितनी आएगी, हाउ इज दिस वेलोसिटी रिलेटेड टू दिस वेलोसिटी, ये किया था हमने कल, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो इसमें अगर हम प्लेस कर दें v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू डेल्टा टी, v की वैल्यू ऐसी आती है ना कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन में, तो ये बन जाएगा 2u प्लस a इंटू डेल्टा टी। आगे तो सिंपल है ना, s इज इक्वल टू हाफ, पहले इसको हाफ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? हाफ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा जी u प्लस हाफ, ये डेल्टा टी को भी मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा टी इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र, मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट? एस इज इक्वल टू यू डेल्टा टी, हम इसको यू टी बोलते हैं, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ बेटा ये टाइम इंटरवल है, ये याद रहोगे तो बहुत ही सुखी रहोगे आप, अगर आपको आईआईटी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट? हाँ, वैसे ही स्कूल एग्जाम में फेलना है तो फिर टीचर बोलेंगे बच्चे आपने ये ट्राइंगल ना गलती से लगा दिया बीच में, है बेटा, चलो कोई नहीं, इसकी मैं नंबर नहीं काट रही अब की बार, नेक्स्ट टाइम काटूंगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपके पास बेटा ये दो फॉर्मूले आ गए, v इज इक्वल टू, ये किस में था? यूनिफॉर्म मोशन में, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ऑफ द मोशन, इसी की फॉर्म है। अच्छा चलो, कल वाली भी डेरिवेशन रिवाइज हो जाएगी, फिलहाल हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसको ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जीरो टाइम पर यहां पर है ऑब्जेक्ट, चलो इसको हम कोई और टाइम ले लेते हैं, 2 सेकंड्स ले लेते हैं, इसको 5 सेकंड्स, इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, ठीक है, एंड
बेटा ये वाली इक्वेशन हम अगर इस टाइम इंटरवल पर लगाएं, देखो ये जो तीनों इक्वेशन है, अभी तो दो आई है हमारे पास, है ना, इसको भी डेल्टा टी कर सकते हैं, प्लस हाफ ए डेल्टा टी। इस इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर बेस हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस है, हंड्रेड्स ऑफ। आप पूरा साल चाहे इन्हीं के क्वेश्चंस करते रहो, और मैं इतने मुश्किल क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा इसके कि आप सोचेंगे कि ये हो क्या रहा है। मैंने लास्ट ईयर भी दिए थे बच्चों को इलेवेंथ में, जो अब बच्चे ट्वेल्थ के अंदर आईआईटी का पेपर दे रहे हैं, इलेवेंथ में भी दिए, ट्वेल्थ में भी दिए, आईआईटी में भी दिए, नीट में भी दिए, फिर भी उनके ये क्वेश्चंस भी खत्म नहीं हुए, अभी इन्हीं के डाउट्स पूछ रहे हैं मेरे से अभी भी, सर ये हो ही नहीं रहा किसी भी तरीके से। सो इवन दीज टू इक्वेशंस हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि किस एग्जाम के लिए आपको कितने क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिजिक्स में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, हर एग्जाम की अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और पता होना चाहिए पेपर देखते ही कि ये क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना पहले, इसको छोड़ देंगे अभी। ये दोनों आ गए बेटा, दो इक्वेशंस अभी आपको, ये वाली तो मैंने बताई, ये कल की थी, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन को इसमें देखना, यहां से यहां तक टाइम इंटरवल कितना है, 5 माइनस 2s, तो डेल्टा वी वी माइनस यू आएगा, यहां से यहां तक डेल्टा वी कितना आएगा, वी माइनस यू। डेल्टा टी को मैं 5 माइनस 2 नहीं लिख रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मोशन के दौरान एक्सेलेशन हर टाइम पे सेम है, तो ये वही वाली चीज आ जाएगी, नहीं ए डेल्टा टी यू। तो ये इक्वेशन अभी मैंने कुछ प्रूव नहीं किया है, तो पहले ही प्रूव कर दिया था। जब हम इन इक्वेशंस की बात करते हैं, ये सब फैशनेबल है, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आप कहोगे एक तीसरी भी है सर, वो भी अभी कर देंगे, वो आसान ही है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके ऊपर बेस प्रॉब्लम्स आती हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, और वो न्यूमेरिकल अगर हमें करने नहीं आएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जब इनको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है तो दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात जो सभी न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना है, डायग्राम जरूर बनाएंगे। दूसरी बात, जब भी हमें इन दोनों इक्वेशंस को यूज करना है या इन दोनों में से एक को भी यूज करना है, ऑलवेज आस्क योर सेल्फ, ओके, ऑलवेज आस्क योर सेल्फ वॉट। अभी बताता हूं आपको, ये अपने आप से पूछना होता है कि किस टाइम इंटरवल के ऊपर आप इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो, ओवर व्हाट टाइम इंटरवल यू आर अप्लाइंग, ऑलवेज कीप आस्किंग योरसेल्फ, इसको मैं किस टाइम इंटरवल पर यूज कर रहा हूं। कई बार एक ही क्वेश्चन में तीन अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे बारी बारी इन इक्वेशंस को यूज करना पड़ता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ड्रॉ डायग्राम। सेकेंड, आस्क योर सेल्फ, बताने से नहीं आएगा, सेकंड जब यूज करेंगे तब पता चलेगा, अभी बता दिया। आज सपोज आप इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, आस्क योर सेल्फ कि मैं इसको 2 सेकंड से 5 सेकंड के इंटरवल पे यूज कर रहा हूं इस इक्वेशन को, या 1 से लेकर 3 पर कर रहा हूं, या 5 से लेकर 10 पे कर रहा हूं। अब आप कहोगे इतनी छोटी सी चीज से क्या होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। ऑलवेज आस्क योर सेल्फ ओवर विच टाइम इंटरवल आई एम अप्लाइंग दिस इक्वेशन, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तीसरा भी डिराइव कर डालें जल्दी से, फिर एक और आएगा। ये देखना स्ट्रेट लाइन मोशन हम पढ़ रहे हैं, तो ये वस्तु है जो चल रही है, मूव कर रही है, कैसे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो मान लो जीरो टाइम के ऊपर ये यहां पर है, तब इसकी वेलोसिटी है यू, और थोड़ी देर के बाद टी टाइम पे ये यहां पर आ गई, इसकी वेलोसिटी है वी। तो ऐसा करते हैं बेटा, सपोज आपको ये टाइम्स दिए ही नहीं हुए, आपको ये बताया हुआ है कि ये 2 मीटर्स पर सेकंड है और ये 10 मीटर्स पर सेकंड है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो ना हुई ना, एक्सेलेटेड हो गया। और आपको ये बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलेशन रखते हुए मूव कर रहा है, ठीक है, और आपको ये बताया हुआ है कि ये ओरिजिन है और यहां पर ऑब्जेक्ट
2 मीटर दूर है ओरिजिन से, और यहां पर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 7 मीटर दूर है। ठीक है, टाइम नहीं दिया हुआ, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लो। आप ये मान लो कि अच्छा टाइम नहीं दिया, यहां कुछ टाइम होगा 0, यहां कुछ टाइम होगा टी, क्या दिया हुआ है? समझ में आ गई सिचुएशन क्या गिवन है? ठीक है, यहां पे अपने माइंड में मान लो 0 टाइम है, यहां पे अपने माइंड में मान लो टी टाइम है। टाइम दिए ही नहीं हुए, जैसे हमने पहले कहा था ना, यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 5 सेकंड, ये टाइम नहीं दिए। ये दिया है कि यहां पे ओरिजिन से 2 मीटर दूर, तो आपको ये तो पता चल गया कि यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 5 मीटर्स प्लस 7 माइनस 2। ठीक है, तो अब आप कहोगे हम क्या करना चाह रहे हैं? तो बेटा हम सिंपल देखो, जितने भी कैलकुलेशन है उसमें ये इस, क्योंकि हमने क्या कहा, यहां पे मान लो 0 टाइम है, यहां पे मान लो टी टाइम है, तो ये जो संख्या है इसको हम x0 बोलते हैं, पोजीशन एट 0 टाइम, और फाइनल वाली पोजीशन को हम x बोलते हैं, x, और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, x-x0। तो ये वाली इक्वेशन हम इस ऑब्जेक्ट को लगाएं, इस ऑब्जेक्ट को, मैंने अभी क्या कहा था, डायग्राम बनाओ, वो तो बना हुआ है, और क्या कहा था, आस्क योर सेल्फ किस टाइम इंटरवल पे लगाएं, तो हम 0 से t टाइम इंटरवल पे लगा दें, तो आपके पास आएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू डेल्टा टी। और ये वाली इक्वेशन भी इसको लगाओ तो वही सेम इक्वेशन आ जाएगी, है ना, u और a की टर्म्स में, a की वैल्यू 2 है। अब मान लो मैं इन दोनों इक्वेशन में से आपको कहता हूं कि बेटा क्योंकि इसमें हमें टाइम दिया ही नहीं हुआ, तो हम डेल्टा टी को हटाना चाहते हैं, तो पहले वाली इक्वेशन में से डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी v-u/a आ जाएगी, और इसमें अगर हम रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s=u, डेल्टा टी की जगह आपने ये रख दिया, और हाफ ए, यहाँ पे ए भी है ना, और ये डेल्टा टी स्क्वायर है, और यहाँ पे डेल्टा टी स्क्वायर को रख दिया, तो आपको एक तीसरी इक्वेशन मिलती है ना, यू गेट अ थर्ड इक्वेशन विच इज, अब मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप 9th से कर रहे हो, लेक्चर में भी हुआ है, v²=u²+2as। आप चाहें तो इसमें s को यहां पर x की जगह x-x0 भी कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहो तो कोई क्या उखाड़ लेगा आपका, नहीं चाहो ये रख लो, दैट इज ऑल। ठीक है, तो बेटा ये 3 इक्वेशंस के ऊपर बेस कितने क्वेश्चंस हैं, आईआईटी में भी आए हुए हैं, ठीक है, आगे भी आएंगे, नीट मेंस में भी आएंगे, ठीक है, सब जगह आए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो आपको मैंने आज उसमें एक कराया था, एक ही कराया था न्यूमेरिकल, आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ एक कराऊं, मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ एक प्रॉब्लम, चलो आप सब लोग लिखो फिर, जस्ट 10-15 मिनट्स का काम है, लिखो, राइट डाउन, बिकॉज मोशन अंडर ग्रेविटी एक स्पेशल केस है मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का। तो लिखो, अ बॉल इज थ्रोन अप एट स्पीड ऑफ 19.6 मीटर्स पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम दी ग्राउंड, डिटर्मिन फर्स्ट पार्ट द टाइम आफ्टर विच इट कम्स टू एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट, द टाइम आफ्टर विच इट कम्स टू एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट। सेकेंड पार्ट, द टाइम
आफ्टर विच इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट. थर्ड, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड अबव द ग्राउंड. तो अभी जो मैंने आपको बोला कि बेटा सारी प्रॉब्लम्स में एक ही तरीका होता है, हो गए तीनों पार्ट्स जो करने हैं, आपको क्या करना है, आपको पहले डायग्राम बनाना है. तो डायग्राम बनाकर देखो, आप बनाओ और अपने आप से पूछो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन आएगा कि नहीं आएगा. तो पक्का ही आएगा. डायग्राम बना लो, ठीक है. और डायग्राम में कुछ वैल्यूज भी दिखा देनी चाहिए जो आपको दी हुई है. ऑब्जेक्ट के साथ वेलोसिटी वेक्टर लगानी तो आपको आती है, वेलोसिटी वेक्टर लगा दो शुरू में, इनिशियल. जिस टाइम पे बॉल आपके हाथ से निकली है उस वेलोसिटी को जीरो मान लो, उस वेलोसिटी का नहीं, उस टाइम को. वेलोसिटी तो दी हुई है आपको. और एज द बॉल मूव्स अप यू नो इट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है. हर समय उसकी एक्सेलरेशन ऊपर जाते समय कांस्टेंट है. ये डायग्राम तो बना ही लिया होगा आप लोगों ने, डायग्राम बनाना मुश्किल नहीं है इसमें. एग्रीड और नॉट? तो बेटा फिजिक्स की आप देखना, बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस भी डायग्राम बनाने से कितना इजी हो जाते हैं. डायग्राम्स बनाने होते हैं बस, और वैल्यूज दिखानी है. तो ये रेड वाला जो लाइन है ये ग्राउंड है, ये बॉल है. बॉल को हम मानते हैं कि वो ग्राउंड से शुरू हो रही है, आपके हाथ की हाइट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है. तो ये मान लिया जाता है. और आपके हाथ से छूटने के बाद इसकी वेलोसिटी 19.6 मीटर्स पर सेकेंड है. अब रुकेंगे और ध्यान से सुनेंगे बेटा. जब मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखना है. एक, ओरिजिन ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट कहां पर है. ये तो मुश्किल हो गया है ना. मतलब हमने ओरिजिन यहां पे लिया तो यहां पे हम एक्स को जीरो मान रहे हैं. हम कहीं और भी ले सकते हैं ओरिजिन को, मैं भी बताऊंगा कैसे. फिर आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ये एक्स एक्सिस बन गई ग्रीन वाली लाइन, वाई एक्सिस मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. उससे क्या फर्क पड़ेगा, वाई मान लो एक्स मान लो. वर्टिकल वाली को क्या लेते हैं आमतौर पर, वाई लेते हैं ना. मैं भी ऐसे ही करता हूं, मैं मोस्टली वर्टिकल वाले को वाई ले लेता हूं. यहां पे जीरो टाइम है और एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा. कल भी मैंने आपको बताया था, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वन डायरेक्शन हैज टू बी टेकन पॉजिटिव. विच वन यू वुड लाइक टू टेक पॉजिटिव, आंसर इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दैट. लेट्स टेक अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव. मेनी क्वेश्चंस विल बिकम सिंपल by taking downward positive and upwards negative. But पहले एक लेना है तो ऐसे ले लेते हैं. जैसी आपने direction choose की तो आपको ये zero time की जो velocity है वो पता चल गई, वो plus 19.6 आएगी, क्योंकि velocity positive direction में है. उसके पहले नहीं पता था, उसके पहले तो minus negative भी हो सकती थी. अब ये highest point है, यहां की वेलोसिटी आपको पहले से मालूम है. मान लो यहां पर बॉल टी टाइम पर पहुंचती है, समझ में आया. ये टाइम ही पता लगाना है, ये इंस्टेंट. यहां अब क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि ये इक्वेशन हम क्या पूछना होता है, कौन से टाइम इंटरवल पर अप्लाई करेंगे इसको. इसको हम जीरो से टी टाइम इंटरवल पर अप्लाई कर देंगे. तो जब आप इसको जीरो से टी टाइम के ऊपर अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये कौन सी वेलोसिटी होती है, ये पहले वाले टाइम की वेलोसिटी होती है और ये बाद वाले टाइम की वेलोसिटी होती है. तो बाद वाले टाइम की वेलोसिटी
जीरो है। पहले वाले टाइम की वेलोसिटी कितनी है? 19.6 नहीं है बेटा, प्लस 19.6, ठीक है, क्योंकि कई बार ये माइनस भी होगी ना, तो इसलिए याद रखना है कि इसको हमेशा प्लस और माइनस रखो, ठीक है। अब डेल्टा टी यहां से यहां तक कितना है? डेल्टा टी यहां से यहां तक है टी माइनस जीरो, और मोशन के दौरान थोड़ी देर बाद बॉल इधर आएगी फिर ऊपर जाएगी, लेकिन हर समय उसकी एक्सीलेशन कितनी है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में 9.8, पर एक्सेलेशन तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसमें भी डायरेक्शन लगानी पड़ेगी आपको, नहीं तो आंसर गलत आएंगे। तो इसकी क्या डायरेक्शन है? थ्रू आउट द मोशन। कल हमने किया था ना, ऊपर जाते समय और नीचे जाते समय डायरेक्शन सेम ही है, हालांकि हमें यहां नीचे आने की बात नहीं करनी, हमें यहां पे हमें सिर्फ ऊपर ही जाना है, तो एक्सेलेशन की डायरेक्शन माइनस आएगी। तो मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं यहां पर, 9.8 मीटर्स, तो यहां पे हम माइनस लेंगे, 9.8 ना ले लेना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सब कुछ आ जाएगा, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस 19.6 और ये माइनस 9.8 इंटू टी। अब टी ही हमें डिटर्मिन करना है, तो वो 2 सेकेंड आ गया, बहुत ही सरल। लेकिन आप देखो, मैंने आपको ये इतनी डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन में अगर आप यही स्टेप्स चलोगे, क्या स्टेप्स थे? डायग्राम बनाया, वैल्यूज दिखाई, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, एक डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। अगर आप लोग कोई भी कहता है कि सर एक मुश्किल प्रॉब्लम दिखाओ ना, तो मैं आपको दिखा दूंगा, सारा दिन लगे रहोगे, होगी नहीं, ठीक है। लेकिन बाद में कब होगी? जब आप यही स्टेप्स लगाओगे तब वो होगी। इन्हीं स्टेप्स को रिपीटेडली अप्लाई करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ये चीज मत भूलना। अब यही मेथड मैं आपको सिखाना चाहता हूं जो थोड़ा बहुत मुझे आता है, ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव कम हियर टू लर्न दिस मेथड। ओके, वेरी नाइस। तो दूसरी प्रॉब्लम में अब मैं आपको बताता हूं। देखो, बच्चे सोचते हैं सर आपने जो बताए वो स्टेप्स तो लगाने बड़े आसान है, हम भी लगा देंगे। तो अब अगर आपने जो मैंने अभी बातें आपको बताई हैं वो सेकंड पार्ट में लगा सकते हो या नहीं, इसका टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं कोई लगा पाता है कि नहीं उन्हीं स्टेप्स को, ठीक है, उन्हीं स्टेप्स को जो मैंने आपको अभी इसमें बताई। तो आप कहोगे एक स्टेप तो आपने कर ही दिया, डायग्राम तो आपने बना ही दिया, तो फिर अब हमें क्या बताना है? यहां आने का टाइम, कि यहां पे इस टाइम पे पहुंची थी तो यहां पे किस टाइम पे पहुंचेगी, जो भी टाइम। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको टी हटा देते हैं, इसको टी मान लेते हैं, है ना, कि मान लो ये वाला तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड टाइम तो पहले ऐसे गई फिर ऐसे गई। अब कई लोग कहेंगे सर हमें मिल गई एक प्रॉब्लम जहां पे आपने कहा है वैसे नहीं करना, वो कहेंगे यही वो प्रॉब्लम है जिसमें आप वाले स्टेप्स नहीं चलेंगे, क्योंकि देखो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे आने में लगेगा, हा हा। तो ये कितना हो गया? 4 सेकेंड्स, ठीक है, आपके स्टेप्स नहीं लगे। तो लेकिन बेटा आप एक चीज देखो, इसको प्रूव कैसे करेंगे कि इसको नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा? क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिसमें फ्रिक्शन होती है, फिर ऊपर जाने में और नीचे आने में एक जैसा टाइम नहीं लगता, हाँ, ठीक है। तो इसलिए अगर आप स्टेप्स लगाओगे तो आपको चीजें समझने को मिलेंगी, नहीं तो आप क्रैम करते रह जाओगे कि नाइन्थ में मैडम ने बताया था जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा, तो टाइम टू रिटर्न कितना हुआ? नहीं, वैसे नहीं करना, मैं आपको हिंट देता हूं, इससे करना है, इस इक्वेशन से करना है, द टाइम टेकन टू रिटर्न। सो व्हाट हैव वी डन? वी हैव यूज्ड एलजेब्रा, लेट द बॉल कम बैक टू द सेम पॉइंट एट अ टाइम टी, और जीरो से टी टाइम के ऊपर इस इक्वेशन को अप्लाई करो, जीरो से टी टाइम के ऊपर इस इक्वेशन को यूज करो। जीरो टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट कहां था? यहां, और टी टाइम पर फिर यहां। तो अगर हम इस इक्वेशन को जीरो से टी टाइम के ऊपर यूज करें तो यू तो है प्लस 19.6, क्योंकि यू क्या है? इस टाइम की वेलोसिटी, इस टाइम वाली नहीं, यू तो है प्लस 19.6, और डेल्टा टी कितना है यहां से यहां तक? डेल्टा टी है टी माइनस जीरो, और थ्रू आउट द मोशन
एक्सेलेरेशन इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और कांस्टेंट। कल ही किया था ना, ऊपर जाते समय भी -9.8 और नीचे आते समय भी, तो थ्रू आउट द मोशन एक्सेलेरेशन इज -9.8। अब वो जो कल हम पॉइंट बता रहे थे वो देखो कितना इजीली क्लैरिफाई हो जाता है ना। उस अदरवाइज आपको उपन्यास लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट अ नॉवल टू एक्सप्लेन व्हाई एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, और अदरवाइज प्रॉब्लम में तो हर चीज फिजिक्स से प्रॉब्लम करके ही आएगी, न्यूमेरिकल करके। ऊपर जाते समय भी एक्सेलेरेशन -9.8, नीचे आते समय भी एक्सेलेरेशन -9.8, एंड डेल्टा टी इज t-0। अब क्रूशियल स्टेप है ये, कितना आ जाएगा बेटा ये? और ये तो हमें पता ही नहीं लगा, क्योंकि हमें ये तो हाइट तो मालूम ही नहीं है कि ये 10 मीटर है या 20 मीटर। अरे वो थोड़ी निकालनी है आपको, आपको तो डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स होता है मान गए, ये तो एस। तो 0 टाइम के ऊपर एक्स कितना है? 0। और टी टाइम पे एक्स कितना है? वो भी 0। तो डेल्टा एक्स कितना आएगा? तो 0 आ जाएगा। हो गया, बस काम खत्म, आगे कुछ नहीं है इससे। इसको ऐसे करना चाहिए बेटा, -4.9t² +19.6t, ठीक है? अभी भी मैं बता रहा हूं, सुन लो। 4.9t कॉमन ले लो, ठीक है? तो ये आ जाएगा t माइनस साइन के साथ, और यहां क्या आ जाएगा? +4, ये इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो 4.90 0 होना चाहिए, या फिर -t+4 0 होना चाहिए। दोनों में से एक तो 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब या तो t 0 होना चाहिए, मतलब इसको यहां से यहां आने में कोई टाइम ही नहीं लगा, वो तो है नहीं, तो इसको नहीं लेंगे आंसर। और यहां से t कितना आएगा? 4 सेकेंड्स। तो कितनी देर बाद बॉल वापस यहां पे आएगी? 4 सेकेंड्स के बाद। तो इसमें हमने ये भी प्रूव कर दिया कि बॉल को ऊपर जाने में और नीचे आने में एक ही जितना टाइम लगता है, ठीक है? और भी कुछ था इसमें? मैक्सिमम हाइट रीच्ड भी था ना, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, तो वो भी कर लो। उसमें क्या है? देखो, अगर किसी कार में ब्रेक्स लगती हैं, ट्रेन में ब्रेक्स लगती हैं, बंदे में ब्रेक्स लगती हैं, दौड़ते हुए बंदे में आएंगे ऐसी प्रॉब्लम, मैन इज रनिंग, द मैन इज सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ही कैन रन एज फास्ट। चलो वो करेंगे अभी, लेकिन आप पहले इसमें बताएंगे मुझे, इसी प्रॉब्लम में बताएंगे बेटा, कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड अबव द ग्राउंड। तो हाइट, लेंथ, डिस्टेंस, ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। अगर मैक्सिमम हाइट है कैपिटल एच, तो हम ये वाली इक्वेशन को यूज करते हैं। ब्रेक लगने वाली इक्वेशन में भी यही है। देखो बेटा, इस बॉल पे भी ना ब्रेक्स लग रही हैं, तभी ये ब्रेक लगते लगते रुक गई, ठीक है? ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। जैसे कई बार होता है ना, एक स्कूटर जा रहा है, कार जा रही है, कार की स्पीड इतनी है 60 किलोमीटर, ब्रेक लगी, वो 5 मीटर दूर जाके रुकी। अब मान लो उसकी स्पीड 120 होती और वैसे ही ब्रेक लगती, तो ये कितनी दूर जाके रुकेगी? सोचिए, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। 60 की स्पीड से जा रही है तो 5 मीटर में रुकी, 120 से कितने मीटर जाके रुकेगी? इनको, इनके अंदर ये इक्वेशन यूज होती है। कई सारे लोग बताते हैं, सर कोई ऐसा मेथड बताओ जिससे हमें पता चल जाए कौन सी इक्वेशन कहाँ लगती है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कोई एक मेथड नहीं होता, ये एक्सपीरियंस से ही पता चलता है आपको, ठीक है? तो हाँ, ये है कि जहां रुकती है तो वहां पे ये इक्वेशन यूज होती है, ठीक है? चलो एनीवे, अब इस इक्वेशन को भी आपको पूछना है कौन से दो पॉइंट्स, कौन से इंटरवल पे यूज करना है। तो इस इक्वेशन को मैं इसके और इसके बीच में यूज करूंगा। तो v कौन सी वेलोसिटी है? बाद वाली 0। u कौन सी वेलोसिटी है? -19 या +19.6। एक्सेलेशन थ्रू आउट द मोशन इज -9.8, और ये डिस्प्लेसमेंट h नहीं है बेटा। देखो अब ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, तो हम ये वाली वेक्टर बनाएंगे ऐसे। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है? प्लस में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? h। तो डिस्प्लेसमेंट इज +h। अब यहां से आप h की वैल्यू बड़े आराम नाल निकाल सकते हो।
ये आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस दूसरी तरफ जाएगी, ये कर लेना आप, ये तो कर लोगे आप, प्लस आएगी एच, ठीक है, एच विल बी प्लस 19.6 मीटर्स, ये एच आएगी, वो देख लेना, क्योंकि ये 19.6 है ना बेटा, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, वो आप देख लेना, मैथ्स आप कर लोगे, किसी को नहीं आया तो आप स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं बता दूंगा। ओके, सो नाउ वी नो दिस, नाउ इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू देन प्लीज डू दिस प्रॉब्लम विच इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक, ये देख रहा बेटा 3.4। चलो अगर आपको जो मैंने स्टेप सिखाए वो आप सीख गए हैं तो आप ये वाली प्रॉब्लम अवश्य कर देंगे, प्रूफ यही है, फिर आपकी छुट्टी होगी आज की और कल हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, विच इज अ बिग अचीवमेंट बिकॉज आई डोंट नो व्हेन अदर पीपल विल रीच हियर, बहुत टाइम लग जाएगा लोगों को यहां तक आने में, हम वेक्टर्स भी खत्म कर देंगे। चलो आपने करना है बेटा, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ द डायग्राम एंड शो एज मेनी वैल्यूज एज यू कैन, सेकेंड स्टेप यूज द इक्वेशंस आस्किंग योर सेल्फ कौन से दो पॉइंट्स के ऊपर उनको यूज करना है, आपकी वेट करूंगा मैं, आप ही को करना है, एक का 8 आई एम गिविंग यू 5-7 मिनट्स, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, मारा मारी थोड़ी है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सोच लो क्या करना है, डायग्राम बना लो, बस डायग्राम मैं भी बना लेता हूँ, नहीं तो आप मेरे से आगे निकल जाओगे, सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी, सॉल्व करना होगा तो मैं बोलूंगा मुंडी ऊपर करके देखो, ये अर्थ सरफेस, ये बिल्डिंग, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम, ट्वेंटी मीटर्स बिल्डिंग से और ऊपर चला जाएगा कोई कह रहा है, ध्रुव ने टोटल निकाल दिया 45 मीटर, ठीक है, आंसर क्या होगा वो देखते हैं, 20 मीटर्स, बिल्कुल ठीक है, ए पार्ट का 20 मीटर्स अबव द बिल्डिंग, ठीक है, मैंने कहा था ना बेटा अब यहां देखेंगे थोड़ा सा, है ना, फिर मैं बीच में रुक जाऊंगा, ए पार्ट करेंगे डिस्कस, फिर बी के लिए आपको टाइम देंगे, देखो एक बार देखो प्लीज, ठीक है ना, तो मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम में पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन कहां ले, ग्राउंड पे भी ले सकते हैं ओरिजिन, कोई गलत नहीं है, मैंने बताया था ना कहीं पे ओरिजिन कहां लेंगे वो सोचना है, और यहां भी ले सकते हैं ओरिजिन, ठीक है, दोनों ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यहां ओरिजिन ले लेते हैं, अंडरस्टूड, तो ऑब्जेक्ट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ये आपकी वाई एक्सिस की तरह से बन गई, ठीक है, अब अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते, नेगेटिव मानते हैं आपकी बार अपवर्ड को, ठीक है, क्या जा रहा है, नेगेटिव ले लेते हैं, नीचे वाले को पॉजिटिव मानते हैं, तो हमने बॉल को किस तरफ फेंका, यहां से ऊपर की तरफ, तो उसको जीरो टाइम मान ले, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले लें, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है,
-20 आ जाएगी, -20 मीटर्स पर सेकंड। जगह नहीं है तो मैं मीटर्स पर सेकंड नहीं लिख रहा। अब आपको बताना है, मान लो यहां पर आके बॉल रुक जाती है, यहां पे आके ये वेलोसिटी बिकम जीरो। इस हाइट को देखना बेटा, हाइट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, हाइट लेंथ। लास्ट ईयर क्या था ना वो मिरर्स में, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये एच है हाइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि जो रुकने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें ये इक्वेशन लगती है। तो ये इक्वेशन हम कहां से कहां तक यूज करें, पहले ये पूछो कहां से कहां तक यूज करनी है। यहां से यहां तक। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, डिस्प्लेसमेंट एस। अगर आपने इस डिस्टेंस को एच मान लिया, तो ये जो ब्लैक वाली वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट है। इसकी लेंथ तो है एच और डायरेक्शन कौन सी है, माइनस। तो एस की वैल्यू आ गई माइनस एच। मुश्किल है ये। हमने हाइट कितनी मान ली, इस पॉइंट से ऊपर हाइट को कितना मान लिया, एच। तो हाइट तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करके देखनी पड़ेगी, तभी तो डायग्राम बनाना है। तो ये ड्रॉ करके कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, नेगेटिव। तो ये इसका मैग्नीट्यूड, लेंथ एस की, और ये उसकी डायरेक्शन। ये समझ में आ गया। ए रह गया, ए की वैल्यू यहां लिख देते हैं। तो जब बॉल ऊपर जा रही है तो उसकी एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है, मतलब क्या डायरेक्शन है उसकी, पॉजिटिव। और कितना लेना है एक्सेलेरेशन को, 9.8 ना लेकर इस प्रॉब्लम में दिया है 10 लो। अगर ऐसे लिखा हुआ है 10 लो तभी लेना 10, अपनी मर्जी से कभी 10 नहीं लेना। ये एक रूल है, बच्चे कॉमन गलती करते हैं, कहते सर आंसर में थोड़ी सी गलती आ रही है, कोई भी पार्ट मैच नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चे इसको अपनी मर्जी से 10 ले लेते हैं। अगर ये लिखा है कि 10 लो तभी लेना है 10, अदरवाइज नहीं। ध्यान रहना, रखना इस बात को। तो ये आ गया +10। अभी भी कई लोग सुन नहीं रहे होंगे, फिर बाद में पूछेंगे सर एक बार और, ठीक है ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यूज कर रहे हैं। यू कौन सी वेलोसिटी है, यू है यहां वाली वेलोसिटी, वो कितनी है, -20, -20 का स्क्वायर। और वी कौन सी वेलोसिटी है, वो इस वाली वेलोसिटी है ना, तो वो कितनी है, वो कितनी है, जीरो। जीरो है कि नहीं, जीरो। अब एक बार आपके पास इक्वेशन बन गई, देन नो वन कैन स्टॉप यू, ठीक है। तो ये आ गया 0 = 400 -2 -20h, ठीक है। अब ये उधर चला जाएगा तो h आ जाएगा आपके पास 20। h नहीं, नेगेटिव आना चाहिए, इसका मतलब आपने कहीं गलती की अगर h नेगेटिव आया, क्योंकि h इज अ हाइट, इट हैज टू बी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट आ सकती है नेगेटिव। तो आपके पास आ गया 20 मीटर, तो बॉल विल गो 20 मीटर्स हाई, हायर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थ्रोइंग, और ग्राउंड से उसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी कितनी, 45 मीटर्स। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो देख लेना एक बार दोबारा से, अभी और टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। सेकंड पार्ट देखो आप, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कैसे आएगा, आई विल जस्ट रिमूव दिस क्लटर। सेकंड पार्ट का सोचो अब आप, 2 मिनट दे रहा हूं सेकंड पार्ट के लिए, कई लोगों ने कर लिया होगा फिर भी सोच लो। हाँ जी, सेकंड पार्ट। कई लोग पूछेंगे सर सेकंड पार्ट में हम डायरेक्शन को अलग ले सकते हैं, ले सकते हैं, वो तो एक अलग क्वेश्चन है, पर हम सेम लेके ही करेंगे अब की बार। अपवर्ड डायरेक्शन को हमने इसमें क्या लिया था, नेगेटिव, और डाउनवर्ड को क्या लिया था, पॉजिटिव। ओरिजिन ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट, यहां पे हमने एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो लिया। अगर ये ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे वाले डायरेक्शन नेगेटिव, पॉजिटिव है ये। हाँ चलो, अब कैसे आएगा आपको, चलो 2 मिनट और देता हूं।
5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 2 मिनट दे देते हैं। फिर से वही चीज है बेटा, आपका टेस्ट ये है कि आप देखो, यूज तो ये इक्वेशन होनी है, पर आप वो स्टेप्स अप्लाई कर सकते हो जो आपको बताए थे। वो स्टेप्स अप्लाई कर दोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा भी अपना दिमाग यूज करके 9th वाला मेथड यूज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं कर पाओगे, एक दो तो हो जाएंगी। हाँ बेटा, छब्बीस, 4, 5, 6, 7, 8 भी निकाल दो कोई, है ना? ये 5 आ गया, फिर से 5, 5 ही आ रहा है सबका, -5 किसी का नहीं आ रहा। क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स आने चाहिए, कमाल कर देता। चलो कोई बात नहीं, अच्छा चलो अब आप ध्यान से देखना, ठीक है? क्लास वाली प्रॉब्लम तो मुझे ही करानी होती है, कर लो आप, 2 मिनट और ले लो। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव आशीष, इसके ऊपर बड़ा विचार होगा। और कल एक अंश ने भी पूछा था कि ये एक टाइम पे 2 वेलोसिटीज, आपने भी पूछा था, वो भी बता दूंगा आपको, याद दिलाना बस मुझे, मुझे तो आपको याद दिलाना है बस, चीजें तो मैं सारी बता दूंगा। और आप सोच रहे ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जब आप जो मैं अभी बताऊंगा ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करोगे तब भी काम आएंगी चीज है, वो कोई नहीं बताएगा। टाइम तो नेगेटिव हो सकता है बेटा, पर हर जगह वो एक्सेप्टेबल आंसर नहीं होता, मीनिंगफुल हो सकता है, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। टाइम कैन बी नेगेटिव, हैविंग टाइम नेगेटिव इज मीनिंगफुल, समटाइम्स इट इज एक्सेप्टेबल आंसर, समटाइम्स इट इज नॉट एक्सेप्टेबल आंसर। मैं बताऊंगा आपको टाइम कैसे नेगेटिव होगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जिन बच्चों ने डायग्राम भी नहीं बनाया और जो सोच बीच में ब्रेड पकोड़ा खाने लग गए हैं, ठीक है? चलो आप चटनी लगाओ, इसके पहले मैं समझाई देता हूं। देखना बेटा, एक बार हमने यहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, किस तरफ? ऊपर की तरफ। ये रेड वाली जो है ये वेलोसिटी वेक्टर है बॉल की, ऑब्जेक्ट के ऊपर चिपका दी हमने, कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर्स पर सेकंड। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस या माइनस? यू की वैल्यू प्लस या माइनस? माइनस, पहली चीज, क्योंकि यहां वाली वेलोसिटी इस इक्वेशन में यू आएगी, समझ आ रहा है? ये यू कौन सी वेलोसिटी है ना? तो अब आप पहले ये पूछो कि इस इक्वेशन को आप कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में यूज करने वाले हो, ठीक है? तो वो मैं आपको बताता हूं, हम एक पॉइंट लेंगे ये और दूसरा पॉइंट लेंगे ये, जहां पहुंचना है। तो अगर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल, तो कैन वी ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो डिस्प्लेसमेंट ये आएगी, ये नहीं आएगी डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, ठीक है? इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दो। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये रूल बनाया कि नहीं, कि जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करनी है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और फिर एरो जरूर लगाएंगे फाइनल पॉइंट पर। अब मुझे बताओ कि एस की वैल्यू कौन बताएगा कितनी आएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू? इसका मैग्नीट्यूड है 25 मीटर और डायरेक्शन प्लस, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में वेक्टर? प्लस में, ठीक है? अब आपको इस इक्वेशन में एस तो पता चल गया कितना है, +25, और क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है, ये कौन सी वेलोसिटी है, यहां वाली कितनी है, ये -20। ये लो जी -20। अब ये मत बोलना सर अगर हम ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस ले लेते ना तो ये प्लस आ जाती, आने दो, फिर ये माइनस आ जाता, एक ही बात है वो, ठीक है? नथिंग चेंजेस। तो ये आपके पास आ जाएगा
-20। यहां से यहां टाइम कितना है, यहां पे ये टाइम 30 में ये टाइम कितना है, जीरो, और बाद वाला टाइम मान लो टी, तो डेल्टा टी इज टी माइनस जीरो। एंड थ्रू आउट द मोशन हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ ए, +10, ये दिया ना 10। डायरेक्शन कौन सी एक्सेलेरेशन की, डाउनवर्ड्स, और टी स्क्वेयर। अब ये कितनी इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है देखना, -20t +5t स्क्वेयर, ये इक्वेशन बन गई बेटा। अब इसमें से हम इसको सॉल्व करेंगे, टी स्क्वेयर -4t -5 इज इक्वल टू जीरो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या आ जाएगा, -5t +t। क्वाड्रेटिक भी बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत कॉमनली आती रहेंगी, पहले बता रहा हूं, जिनको नहीं आता ना डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला वो याद कर लेना। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है बेटा, टी -5 कॉमन ले लिया है ना, तो टी की दो वैल्यूज आ गई, टी की दो वैल्यूज आ गई। मतलब यह है कि आपने बॉल को यहां से थ्रो किया तो बॉल ऊपर जाके जब नीचे पहुंचेगी तो नीचे पहुंचने के टाइम पे घड़ी में कितना टाइम होगा, अगर यहां पे जीरो टाइम है तो घड़ी में 5 सेकंड टाइम दिखेगा, ठीक है। तो थ्रो करने के बाद कुछ टाइम के बाद तो यहां पहुंची, फिर कुछ टाइम के बाद यहां नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोथ विल बी मीनिंगफुल, दिस इज मीनिंगफुल, दिस इज नॉट द आंसर, आंसर इज दिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है नेगेटिव टाइम का, नेगेटिव टाइम मेक सेंस हाउ, देखना बेटा। मान लो, ध्यान से सुनना आप, मान लो जब आपने यहां से बॉल को थ्रो किया था, आपने एक रिस्ट वॉच पहनी हुई है, रिस्ट वॉच में, ये रिस्ट वॉच है, दिन के 2 बजे एग्जैक्टली, दो दो बज के 0 मिनट और 0 सेकंड्स। तो जब बॉल यहां पहुंचेगी तो आपके रिस्ट वॉच में क्या टाइम होगा, 2 बज के 0 मिनट्स और 5 सेकंड, एग्रीड। और आपके पास एक स्टॉप वॉच भी है, जैसे आपने बॉल को थ्रो किया, ये आपके लेफ्ट हैंड में है और राइट हैंड में स्टॉप वॉच है आपके, और वो जैसे आपने बॉल को झटके से थ्रो किया स्टॉप वॉच भी ऑन हो गई, तो स्टॉप वॉच में क्या टाइम आएगा, 0 टाइम। और स्टॉप वॉच में क्या टाइम होगा जब बॉल नीचे पहुंचेगी, 5s, एग्रीड, ठीक है। तो ये जो 2 बजे है इसको हम 0 टाइम मानते हैं, मतलब 2 PM 0 मिनट्स 0 सेकंड्स इज द ओरिजिन ऑफ टाइम, एंड -5 सेकंड्स मीन्स इससे 5 सेकंड पहले, मतलब 1 बज के 59 मिनट्स 55 सेकंड्स टाइम को हम क्या कहेंगे, -5 सेकंड्स टाइम, मतलब 2 बजे से 5 सेकंड पहले का टाइम को नेगेटिव टाइम बोलते हैं, समझे आपको। तो आप कहोगे कि नेगेटिव टाइम का मीनिंग तो समझ में आ गया, पर इसमें तो -1 गलत टाइम है। हाँ, जो हमें पूछा है उसका आंसर नहीं है -10 1, बट इट इज मीनिंगफुल। व्हाई इट इज मीनिंगफुल यू हैव टू थिंक, आई विल टेल यू द आंसर बट यू थिंक फर्स्ट, ठीक है। सीबीएसई में नहीं आएगा, नीट में भी नहीं आएगा, मेंस में भी नहीं आएगा, ये कहीं नहीं आएगा, इसके ऊपर कोई किताब भी नहीं बोलती है कि -1 सेकेंड का मीनिंग क्या है। एक्चुअली ये इक्वेशन जो हमने यहां लिखी है, ये मान के चल रही है कि ऑब्जेक्ट सदा सदा से, सिंस द टाइम द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, वो इतनी एक्सेलेरेशन से चल रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या महसूस हो रहा है कि भैया बॉल कभी यहां पे थी, फिर यहां से मूव करते करते वो यहां पहुंची, और फिर वो ऊपर गई, फिर वो रुक गई, और फिर वो रुकने के बाद यहां आके फिर आगे भी चलती रही, ग्राउंड आया ही नहीं बीच में, ये इक्वेशन को ये फील हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, यहां पहुंचने से 1 सेकंड पहले बॉल यहां पर थी नीचे, और फिर वो ऐसे आई, फिर वो ऊपर गई, फिर वो रुकने के बाद नीचे आई, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो जब सही टाइम आएगा तब समझ में आएगा, अभी 2-4 प्रॉब्लम्स और करोगे ना फिर आएगा समझ में। चलो, आज का हमारा काम पूरा हो गया, इतना बहुत है, अगर आप ये समझ के कर लेते हो ना, मैं वीडियो लिंक भी जरूर भेजूंगा आपको,
ठीक है, इसके ज्यादा और कुछ नहीं करना, बाकी डाउट्स भी ले लेंगे आपके जो भी आपने बताए। अभी सब बच्चों को रिलैक्सेशन देना जरूरी है ताकि आप लोगों का पढ़ने का दिल करता रहे। तो यू जस्ट टेक सम टाइम ऑफ एंड इन क्वेश्चंस को 2 बार, 1 बार फिर से करना बेटा। वर्कशीट वाले कौन से करने हैं मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? चलो, थैंक यू, थैंक्स।